योग दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित शहीद भगत सिंह स्टेडियम में करवाई गई रिहर्सल। जिले के प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी व शहरवासियों ने लिया भाग। विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने भी लिया रिहर्सल में भाग। देखिए सुरेंद्र भाटिया अमर सिंह की रिपोर्ट। चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज शहीद भगत सिंह स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फाइनल रिहर्सल का आयोजन किया गया। योग दिवस की रिहर्सल में जिले के अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा सिरसा निवासियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष डॉ. वेद प्रकाश ने बताया कि 21 जून को प्रातः 7 से 8 बजे तक स्थानीय शहीद भगत सिंह स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसी दिन प्रातः 10 बजे पंचायत भवन में सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा। इस सेमिनार में शरीर के विभिन्न दर्द का योग द्वारा निवारण विषय पर वक्ताओं द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कल 20 जून को योगा मैराथन का भी आयोजन किया जाएगा। जैसा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। योगा दिवस पहले योगा भारतीय की पद्धति थी, अब पूरे विश्व में योगा का लोहा माना गया है और उसी में लोगों को अवेयरनेस जनरेट करने के लिए 19, 20 और 21 तीन दिन का प्रोग्राम है। जैसा कि आज 19 को सभी की फाइनल ड्रेस रिहर्सल करवाई गई है, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि भी शामिल हैं, अधिकारी गण भी शामिल हैं, स्कूल के बच्चे हैं, नागरिक हैं, माताएं बहनें सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और 20 तारीख को कल हम योगा मैराथन का भी आयोजन करेंगे और 21 तारीख को फाइनल योगा डे योगा प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाएगा और उसके बाद फिर एक सेमिनार का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें योग के महत्व के ऊपर कुछ वक्ता अपने वो भी प्रस्तुत करेंगे विचार और लोगों में योगा की भावना को जागृत करने का हम पूरी तरह प्रयास करेंगे। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योग दिवस की शुरुआत की है बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि अभी आज जैसे चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज हमने यहाँ पे सिरसा वासियों ने मनाया है। जिला प्रशासन ने बहुत अच्छे से यहाँ पे इंतजाम किए हैं। 21 जून को जो मनाने का मेन जो उद्देश्य है रखा गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये साल का सबसे बड़ा दिन होता है और योगा करने से हमें जो हमारी आयु है वो बहुत लंबी होती है और जो हमारा स्वास्थ्य है वो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ही मेन उद्देश्य है, हमारा जो भारतवर्ष है वो स्वस्थ रहें और योग बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा रही है। वर्ष 2015 से योग ऋषि स्वामी जी महाराज के द्वारा सिंचित और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो पोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ना केवल हिंदुस्तान के अंदर बल्कि विश्व भर के अंदर लगभग 197 देशों के माध्यम से, और जिसमें से सबसे बड़ी बात यह भी 45 देश जो मुस्लिम कंट्री थे उन्होंने इसके अंदर सबसे पहले अपनी भागीदारी जताई और सहमति जताई, और उसी के बदौलत हमने 2015 से लेकर लगातार आज हम चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव के लिए जो कि 21 जून को मनाया जाना है, आज हमने उसकी फाइनल रिहर्सल की। हम योग के माध्यम से एक एक व्यक्ति को जोड़कर राष्ट्र की उन्नति के अंदर सहायक हों, जिससे हम जनसंख्या के ऊपर, भुखमरी के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, टेक्निकल के ऊपर योग के माध्यम से नियंत्रण कर सकते हैं।